हाँ जी सतसंगत जी, अज 30 अक्तूबर इस वेले तकरीबन इत्थे USA विखे 9 बज चुके ने जी दिन दे। हम ब्लॉक की अपना शुरुआत कर रहे हैं जी। सतगुरु की कृपा के नाल असी सारे इत्थे ठीक ठाक हाँ जी। आस करते हैं आप भी सारे ठीक ठाक होवोगे। सतगुरु कृपा करन सब ते चढ़दी कला मेहर भरिया हथ रखण जी। सो इस वेले मेरे नाल भाई सुरजीत सिंह जी मावी जी जो मरिंडे तो अजकल इत्थे अमेरिका विखे बड़े लंबे समय तो रह रहे हैं जी। तो उन्होंने नाल अज इत्थे हाजिर होए हैं जी तुहाडे कोल। सतगुरु रहमत करन चढ़दी कला बख्शन जी हुण आपां शुरुआत कीती है इस वेले। फिर दिन दे जिस तरह रुझेवे होए तो आप जी नाल जरूर सांझे करांगे। तो अज मौसम साध संगत बड़ा ठंडा मौसम है इत्थे, बदलबाजी होई ते बदल चल रहे ने, बदलवाई बनी है, बड़ा एक सुहावना मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। तो आप जी नूं जैकटां वगैरह जो पाई हुई ने इन्हां तों पता लग ही सकदा कि इत्थे किन्नी कु इस वेले ठंडा मौसम है जी। तो अगला फिर आपां नाल दी नाल सरवण करदे रहांगे, इस तरह जुड़े रहो। ते हुण अगला बस चल रहे हैं। अगे जा के फिर आप मिलते हैं जिस तरह प्रोग्राम बनिया अज का। तो इस वेले आप इतों बस हम तैयारी की है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी का, गुरु साहब ने अच्छी सेहत बख्शे ते होर सेवा संगत की इस तो बद चढ़ के करन। साड़ी सारी सिनसिनेटी संगत की प्रार्थना वाहेगुरु दे अगे। वाहेगुरु जी का खालसा। हाँ जी साध संगत जी, इस टाइम आपां वीर जी दे घर कीर्तन नाल करके नाले लंगर प्रशादा छक के ते हुण असीं चले हां जी। ये वीर जी हुणी साडे सरहंद तों ने, इन्हां दा पिंड दा नां हैगा, आप ही दसणगे तुहानूं। हां जी जी, नवां सैनपुरा जी, इह सैनपुरा इन्हां दे पिंड दा नां आ। ते साडे पायलट साहब, आपां इन्हां नूं पायलट ही कहना हुण, ते होर आपां कुछ नहीं कह सकदे अगे, क्योंकि हुण इह शीट बैल्ट ला ली पायलट बन गए ने। वीर जी सारी सारी संगत ही जी, सारी फतेहगढ़ साहब शहीदां दे अस्थान तो सारी संगत है, बहुत प्यार वाली है। तो अज लै के जा रहे सानू बाहर घूमने वास्ते। तो आप चलते हैं जी हुण किहड़ी जगह जा रहे हैं जी? एयरफोर्स दा म्यूजियम, म्यूजियम है एयरफोर्स दा म्यूजियम है जी, उत्थे जा रहे हैं। ते जिथे जहाज जी, जिथे जहाज पहली बार बनया, सब तो पहला दो भरा जेहड़े इत्थे दे गोरे सी उन्होंने साइकिल तो जहाज बनाया, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਖੰਭ ਖੁੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਣ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਜਹਾਜ਼
ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਤੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਦਣ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਜ ਨੇ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਆਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 1913 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। 1912-13 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਨਾ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਾਂਹ ਗਾਹ ਤਕਨੀਕ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਖਾਈਏ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਕਨੀਕ ਵਧੀ ਗਈ ਭਾਅ ਜੀ।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। यह है जी जहाज इन कहते बॉक्स कार जिन्हें बंब सुटिया सी उत्थे पता नहीं हिरोशिमा जा नागासाकी बिच जो बंब का मॉडल वह पिया जी आओ जी कैमरे च विखाने जी तुहानू अंदर जाके देख के आवांगे ते आपां चलदे हुण जहाज के अंदर वेख के आने जी की आपां देख के जहाज के अंदर पिछे देखो मेरे आ देखो जी जहाज आ वड्डा जहाज है जी Thank you.
एयरफोर्स म्यूजियम देख के बाहर आ गया। तो एयरफोर्स म्यूजियम पार्क है जी, इधरले पास तुम दिखाने पूरा वेख के हैं जी। अज असी अंदर जोड़े जहाज बनते सके, तो पुराने जहाज इन्हों के जेडे इन्होंने स्टार्टिंग की है, किमें जहाज बनया वो सारा तू इस वीडियो विखाया। आप कोशिश की है कि बिना बंदे तो जहाज भी दिखाया बिना बंदे तो भी भाई साहब कहते जहाज विखाया। तो हूँ असं चले हाँ वीर जी के घर, उन्हें घर कॉफी पीन का प्रोग्राम बन गया इन्हों का, तो उतो कॉफी पी के फिर निकलेंगे अगले पड़ा से, फिर देखते हैं कितने जाना जी। फिर भाजी पुछते हैं दोपहर का जोड़ा प्रशादा है वह भी किस सिंह के घर आ। तो हूँ आप आ गए जी पार्किंग, जो पार्किंग चो आप चले अपनी कार से, तो मौसम बहुत वधिया, थोड़ा थोड़ा मीह पै रहा जी नाल नाल, ते मौसम तो वैसे इतने का बहुत नाइस है। बदल तो वेख लो जी थले आ गए ने केंद्र, तो हूँ बदल कैमरा उत्ते कर दी आप ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਆ ਫੁਹਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੁਹਾਰੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ जी। सतसंग जी, हूँ बाहरों गुरमुख प्यारियों के घर जाके आ गए हैं जी, तो हूँ थोड़ा रेस्ट करांगे, तो फिर शाम को गुरु घर विखे कीर्तन है, समा उ तकरीबन 6 बजे का, तो फिर आप मिलांगे जी। सो इस वेले आप हूँ ब्लॉक की समाप्ति भी करनी, क्योंकि अज काफ़ी लम्मा हो गया, तो मैं आप जो बेनती पहला भी की है कि अज ये ब्लॉक में जरूर सारा वेखना है, तो बड़े प्यार इस तरह जुड़े रहो। कल फिर नवे ब्लॉक नाल हाजरियाँ भरते हैं जी, साह भी चढ़ गया जी, पौड़ियाँ पौड़ियाँ थोड़ी जी उच्चिया ने, तो इस वास्ते थोड़ा साह चढ़िया होया, तो कल तक सारू जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।